कुछ बातें लाभ और हानि से परे होती हैं, यानी कि हर बात को लाभ और हानि के से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार भी हम इसीलिए चुनते हैं ताकि वो जन कल्याणकारी काम करे हमारे लिए। 19वीं सदी से अब तक आकाशवाणी को हम स्थानीय बोली, भाषा और लहजे में स्थानीय समस्याओं, सवालों, उपलब्धियों, प्रतिभाओं, विचारों और संवादों को मंच प्रदान करने वाला सशक्त माध्यम के रूप में देखते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह आकाशवाणी के अच्छे खासे लोकप्रिय स्थानीय केंद्रों को महज रिले सेंटर यानी कि अनुप्रसारण केंद्र बनाने का जो चलन शुरू हुआ है, इससे निश्चित ही इसकी लोक प्रसारक छवि को धक्का लगा है। दिल्ली, मुंबई या क्षेत्रीय बड़े केंद्रों के बाद देश के दूरस्थ अंचलों में लघु शक्ति के LRS आकाशवाणी केंद्र स्थापित करने में स्थानीय आम जनता की इसके लिए पुरजोर मांग एक बड़ा कारक रही है। इन केंद्रों में स्थानीय लोग अपनी संस्कृति परंपरा को अपने लहजे में सुन समझकर अभिभूत होते रहे हैं। स्थानीय कलाकारों को इन केंद्रों ने स्थान देकर उनका हौसला और सम्मान बढ़ाया है। ऐसे में इन केंद्रों को महज रिले सेंटर बना देना क्षेत्र की जनता के साथ बड़ा विश्वासघात और अन्याय होगा। रिले सेंटर, इसके मायने साफ है कि किसी बड़े केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम का लिंक द्वारा अनुप्रसारण करने वाला केंद्र, जहां सिर्फ एक ट्रांसमीटर और एक ऑपरेटर के माध्यम से किसी बड़े केंद्र को लिंक किया जा सकता है। ऐसे केंद्र में स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों का निर्माण नहीं किया जाता। अब अगर ऐसा होने लगे कि हमें दिल्ली, मुंबई में बने कार्यक्रम ही सुनाए जाएंगे, तो आकाशवाणी का स्थानीय लोगों से बना संबंध ही खत्म हो जाएगा और लोग इससे अपना जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। न तो स्थानीय प्रतिभाएं दिल्ली या मुंबई जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगी, न ही स्थानीय लोग अपनी बोली या लहजे में अपनी मिट्टी की खुशबू को महसूस कर पाएंगे। स्थानीय सवाल भी अभिव्यक्त नहीं हो पाएंगे और न ही परंपरा और संस्कृति को मंच मिल पाएगा। लोग आकाशवाणी से टूटते जाएंगे क्योंकि दिल्ली, मुंबई से राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाली सामग्री की तरह के प्रसारण कई अन्य निजी न्यूज चैनलों और म्यूजिक चैनलों में मौजूद है, और तब इन्हीं निजी रेडियो चैनलों को अपने पैर पसारने का अनुकूल अवसर मिल जाएगा, जो एक अलग ही व्यावसायिक संस्कृति के वाहक है। अगर आर्थिक मजबूरी बताकर आकाशवाणी भी इसी प्रकार के व्यवसायिक होड़ में शामिल होने लगेगी, तो इसके जन कल्याणकारी लोक प्रसारक के उद्देश्य का क्या होगा? क्या ये बात सरकारों पर भी लागू होने लगी है? क्या आपको लगता है कि सरकार अब तालाबंदी करने जा रही है, यानी कि तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों में बदल कर उनको बंद कर देना चाह रही है और निजी क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना चाह रही है, निजी क्षेत्रों के लिए जमीन तैयार कर रही है? क्या आपको लगता है? अगर आपको लगता है तो आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया यहां पर लिखें या फिर वीडियो के माध्यम से आप इसमें सेंड कर सकते हैं, इस जगह पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। आपसे ये भी अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।